नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर। इंग्लैंड ने बनाया ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर, पाक के खिलाफ बनाए 444 रन, 169 रनों से हारा पाकिस्तान। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कप्तान वेन रूनी ने की घोषणा, वर्ल्ड कप 2018 के बाद फुटबॉल को कह देंगे अलविदा, कहा इंग्लैंड की तरफ से अपने करियर का करेंगे शानदार अंत। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप 5 में आ रहे अश्विन की वापसी, नंबर 1 पर रहे विराट कोहली, लोकेश राहुल ने 67 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए रैंकिंग में 31वां स्थान किया हासिल। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी हुए चोटिल, मांसपेशियों में आया खिंचाव, मेसी के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलने की संभावना कम। US ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे स्पेन के राफेल नडाल और जर्मनी की एंजेलिक कर्बर, जोकोविच ने पोलैंड के जानो विस को हराया, हाथ में चोट से उबरकर US ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह। और बैडमिंटन कोच पुलेला गोपी चंद ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा खेलों के प्रति प्रधानमंत्री की रुचि सराहनीय, रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाली PV सिंधु के कोच हैं गोपी चंद। ये तो ही खेल जगत की खबरें। खबरें और भी हैं, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।